यूपी बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो देखो, जो यूपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम है वो 24 मार्च से शुरू है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 13-14 दिन आपके पास बच रहे हैं, और उसके लिए मैं डेली वीडियोस ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऑलरेडी से ही सब कुछ पढ़ा रखा था, मैंने बोला भी था कि एग्ज़ाम लास्ट के 20 से 30 के बीच में होना है, और वही हो रहा है। और देखो बेटा, आपके जो बोर्ड एग्जाम होने के बाद आपके प्रैक्टिकल होंगे, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम पहले होंगे, प्रैक्टिकल्स बाद में होंगे। प्रैक्टिकल्स की टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल्स पे ऑलमोस्ट सभी को नंबर मिल ही जाते हैं, फुल मार्क्स। और आजकल बेटा यूपी बोर्ड का पहले आया है, तो मैं जो वीडियोस बनाऊंगा तो यूपी बोर्ड देखूंगा, लेकिन जो यूपी बोर्ड के वीडियोस आप बाकी स्टेट बोर्ड के बच्चे नहीं देखते, तो ये गलत है। देखो बेटा, यूपी बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितने भी हिंदी मीडियम में बोर्ड है, जहाँ पर एनसीईआरटी चल रही है ना, जो तो सबका लगभग सिलेबस एक होता है, सारे चैप्टर्स एक हैं, सब कुछ एक क्वेश्चन का लेवल एक है। तो आप वीडियोस देखो, आपका ही फायदा है उसमें, ठीक है। यूपी बोर्ड वालों का वीडियो है तो यूपी बोर्ड वाले भी देखो, साथ ही साथ बाकी जो उत्तराखंड बोर्ड हैं, ठीक है, आपके जो भी जितने राजस्थान बोर्ड हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड है, जो भी बोर्ड है जिसमें हिंदी मीडियम चल रही है ना, वो देखो, उनके लिए फायदा ही करेगा। तो ये जरूरी सूचना आप लोगों को देनी है। और लाइव क्लासेस चलेंगी अभी थोड़ी देर में, और डेली चलेंगी, सुबह शाम दोपहर रात को, और अब से डेली हम लाइव में पढ़ेंगे।